के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का 7 सितंबर से आयोजन होने वाला है, जिसमें आर्थिक समानता, सामाजिक भेदभाव, राजनीतिक तौर पर जरूरत से ज्यादा सत्ता का केंद्रीकरण, इन विषयों का विरोध करते हुए इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन शुरू किया जाएगा। हमारे सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, वो ये यात्रा करेंगे। और ये यात्रा हमारी जो है करीबन 3,570 किलोमीटर यात्रा ये रहने वाली है, जो हमारी 150 दिन के करीब लगातार ये यात्रा हमारी इस समय चलेगी। इस यात्रा की क्या आवश्यकता पड़ी कांग्रेस पार्टी को करने की, तो मैं कहना चाहूँगी, जिस तरह से देश में इस समय माहौल है, भारतीय जनता पार्टी ने या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत देश की जनता से वायदे किए थे, वो उन्होंने वायदे पूरे नहीं किए हैं। आज हमारा देश विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है, चाहे महंगाई का मामला है, चाहे बेरोजगारी का मामला है, सामाजिक तनाव का मामला है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, उनका जिस प्रकार से इस समय मिसयूज हो रहा है, तो ये यात्रा जो है तीन चीजों को लेकर पूरे देश भर में भारत जोड़ो ये यात्रा रहेगी। सबसे पहला विषय है आर्थिक असमानता, इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी इन कंट्री। आर्थिक तौर पर जिस प्रकार से एक असमानता हो गई है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। दूसरा विषय है सामाजिक भेदभाव, सोशल डिवीजन, धर्म जाति और बिरादरी के नाम पर जिस प्रकार से समाज को बांटा जा रहा है। और तीसरा है पॉलिटिकल ओवर सेंट्रलाइजेशन, राजनीतिक तौर पर जरूरत से ज्यादा सत्ता का, पावर्स का केंद्रीकरण। ये हमारे ऐसे मुद्दे हैं।